नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, कोल इंडिया की बात करते हैं। दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं, 323 रुपये 90 पैसे में स्टॉक प्राइस है। पिछले एक साल का जो रिटर्न है परसेंटेज में 27% का रिटर्न है। जिन निवेशकों ने पिछले एक साल में ख़रीदा है तो 27% का रिटर्न है। और स्टॉक अभी अगस्त के महीने में 227-230 में था दोस्तों, बढ़कर अब 323 रुपये 90 पैसे में है 10 नवंबर 2023 को। इसके दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले थे 10 नवंबर 2023 को, तो अपडेट आ गया है। आपके पास स्टॉक है तो स्टॉक प्राइस में भी तेज़ी है, और दूसरी तिमाही Q2 FY24 के नतीजों के साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, और डिविडेंड का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है कोल इंडिया लिमिटेड का। स्पेशली बहुत सारे निवेशकों के पोर्टफोलियो में होगा भी डिविडेंड के लिए, और स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ है दोस्तों। तो सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं, उसके बाद अर्निंग्स की बात करेंगे और शेयर प्राइस की भी बात करेंगे दोस्तों। तो कोल इंडिया के बारे में जानकारी लेते हैं इस वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले जो डिविडेंड का अपडेट आया है उसे देख लेते हैं। देखिए, दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 15 रुपया 25 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। 15 रुपीज़ 25 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़। तो 15 रुपया 25 पैसे का जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, इसका जो रिकॉर्ड डेट है दोस्तों, इसका जो रिकॉर्ड डेट है, फिक्स डेट है, एक्स डेट है, 21 नवंबर 2023 है दोस्तों। 21 नवंबर 2023 से पहले जिन्होंने खरीदारी की होगी, मींस बाइंग की होगी, जिनके पोर्टफोलियो में कोल इंडिया का स्टॉक है, तो वो निवेशक एलिजिबल होंगे। रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट 21 नवंबर 2023। और इस इंट्रीम डिविडेंड का जो पेमेंट होगा दोस्तों, डेट ऑफ पेमेंट ये है 9 दिसंबर 2023। तो ये डिविडेंड पाने के लिए डेट्स हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये जोड़ना चाह रहे हैं दोस्तों, जो लोग डिविडेंड के लिए लेना चाह रहे हैं कोल इंडिया को, तो 21 नवंबर 2023 को डिविडेंड का अमाउंट एडजस्ट भी होगा, गिरावट भी होगी उस दिन। जैसे कि आपने देखा कि IOC में 5 रुपये का जो डिविडेंड दिया गया था, तो आज वो एडजस्ट हुआ, तो गिरावट होगी 21 नवंबर 2023 को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये डिविडेंड का अपडेट है। अब इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है, और 30/9/2023 के क्वार्टर में कोल इंडिया का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 32,776 करोड़ का है। अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम का जो अपडेट आया है 34,760 करोड़ का है, 34,760.30 करोड़ का है। इससे पहले 37,521 करोड़ का था, एक साल पहले 31,599 करोड़ का था। तो 31,599 करोड़ से ये बढ़कर 34,760 करोड़ का टोटल इनकम है कोल इंडिया का। इससे पहले क्वार्टर में देखिए 37,521 करोड़ का था, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से टोटल इनकम कम हुआ है, सालाना देखते हैं तो ग्रोथ है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो उसी के अनुसार फिर प्रॉफिट भी आ जाएगा। देखिए, ये कॉलम एक्सपेंसेस का दे रखा है, 26,000 करोड़ का एक्सपेंसेस है अब की बार, और टोटल इनकम है 34,760 करोड़ का। तो खर्चा 26,000 करोड़ का हुआ है, कंपनी को प्रॉफिट है, कंपनी को प्रॉफिट है। सीधे से मुनाफे की बात कर लेते हैं, जो मुनाफा का अपडेट आया है, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड जो मुनाफा है 6,813 करोड़ का है। इससे पहले 7,941 करोड़ का था, एक साल पहले 6,043 करोड़ का था। तो देखिए, सालाना तो ग्रोथ है, मुनाफा बढ़कर आया है 6,813 करोड़, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो कम है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर देखिए, कंपनी को मुनाफा आया है, EPS 11.03 का है, और इससे पहले 12.93 का था, एक साल पहले 9.81 का। तो देखिए, ये क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो इनकम कम है, मुनाफा कम है, लेकिन सालाना ग्रोथ है। तो ये दूसरी तिमाही के नंबर्स हैं, जो एक तरह से मिले जुले नंबर्स हैं दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं, स्टॉक प्राइस की बात करते हैं।
323.90 रुपये में स्टॉक प्राइस है, 27% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में निवेशकों को जिनके पास कोल इंडिया है। और जो तेज़ी बनी है, देखिए 229 रुपये में था ये 28 अगस्त 2023 को, पिछले दो तीन महीने में अच्छी तेज़ी बनी है। स्टॉक ऊपर की तरफ है, 323.90 रुपये और 326.15 रुपये इसने हाई बनाया, 207.60 रुपये इसका लो था। तो अब ट्रेंड है, जिनके पास है तो डिविडेंड लें, जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तो अपना डिसीजन लें क्या करना है हमको कोल इंडिया लिमिटेड में। और कंपनी के द्वारा अच्छा डिविडेंड दिया जाता है, तो 15 रुपीज़ का डिविडेंड लें और डिसाइड करें कि हमको कोल इंडिया में क्या करना है। तो 323.90 रुपये में स्टॉक है 10 नवंबर 2023 को, ये कोल इंडिया का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।